अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। सब कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं। और आज फिर एक काफी अरसे के बाद फिर से एक नया व्लॉग लेके आया। अब ये नहीं बोलना कि वापस आ गए, अब नहीं जाएंगे भाई, हो जाती है ट्रेजेडी इंसान के साथ। बहरहाल बहुत अरसे के बाद एक फिर एक नया व्लॉग लेके आपके सामने आए। अच्छा, हमें पता चला कि कराची जू, ये मेरे बैग पे आप मेरे को नजर आ रहा होगा, कराची जू का गेट, कराची जू पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। इसका व्लॉग हमने एक पहले भी डाला था। यहाँ की हालत तो बहुत ही बदतर है, लेकिन हमारा आज आने का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है, यहाँ जानवर नहीं है, वही हमारा सिर्फ आने का मकसद है कि यहाँ पे मेयर कराची ने जो है फॉरेस्ट कैफे फॉरेस्ट बनाया है। तो भाई विजिट करते हैं, जू की हालत तो अच्छी नहीं है लेकिन कैफे फॉरेस्ट कैसा है वो चेक करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, फिर बताएंगे आपको कि आना चाहिए या नहीं। आ जाइए। जी वास्तव, अभी हम लोग मौजूद हैं सांपघर, मून की पुरजोर फरमाइश के हम लोग आ गए सांपघर के अंदर। अच्छा, सांपघर में आगे देखा तो सांप बेचारे जो है ना तकरीबन कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे इन लोग कराची का बजट खा गए, उसी तरीके से शायद इनका भी बजट खा गए। स्मेल बहुत है यार। हाँ, स्मेल बहुत ज्यादा है, शायद सफाई सुथरा ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। एसी मगरमच्छ के बच्चे भी इधर ही डाल दिए, अब केकड़ों के साथ मगरमच्छ डाल दिए। केकड़े नहीं, केचुए। केचुए केचुए भैया, एक यूनिक चीज दिखाते हैं आपको। आजी भाई देखें, इन्होंने ना केचुओं के साथ मगरमच्छ छोटे छोटे डाल दिए। अब केचुए का फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको वो जैसे ही मगरमच्छ आएगा उसको खाने के लिए केचुआ अंदर हो जाएगा, जुप हो जाएगा, तो फिर वो चले आता है। इसलिए वो लोग उदास बैठे हुए हैं यहाँ पे, बोले क्या हरामी, खाने को ही नहीं देते। ₹40 तो वापस ले ले उससे, कुछ मजा ही नहीं आया अंदर। इन लोगों को ना हाफ पेमेंट रिटर्न करनी चाहिए। देख यार क्या चीज है यार, अल्लाह की देख, कुदरत देख यार, बेशक यार। भाई ये भी छोटा बच्चा है, वरना इसको अपनी ताकत का अंदाजा हो ना, ये वाले गेट से निकले, यहाँ से ग्रिले तोड़े, यहाँ से सीधा बाहर जाए, रेड बस में बैठे और निकल जाए अफ्रीका। यार पता नहीं कौन सी जगह ढूंढ रहे हैं, मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, साबुन सिलो यहाँ। जी भी बस, तो अभी हम लोग कैफे फॉरेस्ट में पहुंच गए थे और अंदर से वापसी बाहर आ गए, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत बड़ी जगह है तो सीटें बहुत ज़्यादा थी इनके पास, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा सीटों पर हम लोग बैठे। मजाक करो, थोड़ा सा कम स्पेस है यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा इशू है, तो इस वजह से भी हम लोग को थोड़ा वेटिंग पे इन्होंने बिठा दिया। बोले आप 10-15 मिनट वेट करें, थोड़ा सा ही है इतना सही है कि मैं कल 2 या 3 टेबल लगे हुए थे, कितने ही हैं शायद। बस ये छोटा सा कैफे, अभी जरा जैसे ही हमारी टर्न आती है ना 10 मिनट के बाद, तो फिर आपको अंदर के हम लोग शॉर्ट से। जी व्यूअर्स, तो ये है कैफे फॉरेस्ट जो न्यूली ओपन हुआ, मेयर कराची ने इसकी इफ्तिताह किया और ये इसका लुक है। अच्छा,
अच्छा यहाँ पे पता ये चला कि बारिशों की वजह से जो है कुछ सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने इसका चेंज किया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। पहले इस तरफ भी सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ जो है वो इस तरफ सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये एक छोटा सा कराची जू के अंदर जो है ये कैफे फॉरेस्ट बना हुआ है। ये शायद लाइटें वगैरह हैं या कुछ हैं, लेकिन अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत बना हुआ। और कहते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के जो है वो खाने हैं जो मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो गाइस आपको हम लोग ने दिखा दिया है कैफे फॉरेस्ट, अभी कुछ और चीज़ देखते हैं, लेकिन है बहुत छोटा सा लेकिन अच्छा बना हुआ है जो भी। जी विवश, तो आज हमने आपको विजिट कराया कराची जू में मौजूद कैफे फॉरेस्ट का। एक छोटा सा विजिट था जो हमने देखा, बहुत कम सिटिंग अरेंजमेंट था वहाँ पे, और मतलब जैसा हमने सुना था उस तरीके से नहीं था, लेकिन बाजार देखने में अच्छा था। हाँ ठीक है। अच्छा, अब सुना हमने ये है कि शायद आने वाले वक्तों में वो इसको बड़ा करें फॉरेस्ट, कैफे फॉरेस्ट को। तो अगर इन्होंने बड़ा किया, कुछ अमेंडमेंट्स हुई, तो हम आपको बताएंगे। अच्छा सीस के भाई, लास्ट ईयर अपन लोग आए थे यहाँ पे कराची जू में, आपने हालत देखी थी याद है आपको, कुत्ते वाली। इस बार जो है काफी कदरे बेहतर है पिछले साल की निस्बत। ये लेकिन ये जू नहीं है, ये फन लैंड है, यहाँ जानवर नहीं है। वो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये जू नहीं कहलाएगा। इधर जो है ना वो आस्तीन के सांप मिलेंगे, मतलब सांप मिलेंगे और इस तरीके की चीजें मिलेंगी बस, सिर्फ बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन हाथी आ गया, लास्ट टाइम हाथी नहीं था यहाँ। हाथी था, हाथी गया था, हाथी दो हाथी थे लास्ट टाइम, हमें हाथी नहीं मिला था। दो हाथी थे, हमने टिकट लेके देखे थे। अच्छा बहरहाल मुझे याद नहीं है, शायद ब्लॉग में। बहरहाल ये मेरे बैग पे आप देख रहे हैं डॉचिंग कार है, ये पायरेट शिप है, और मतलब ये फनलैंड इन्होंने बनाया, बहुत जबरदस्त जगह बनाई है बच्चों के लिए। वेल एंड गुड है, आए और इंजॉय करें। और कराची जू में अभी कह रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि और मजीद अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जिससे ये और मजीद जो है खूबसूरत लगेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। और यार सब्सक्राइबर गिर गए भाई, सब्सक्राइबर फिर से बढ़ा दो, वॉच टाइम गिर गया, वॉच टाइम फिर से बढ़ा दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।